कान्हा जी का रास स्थल वृंदावन, कान्हा जी की जन्मभूमि मथुरा वृंदावन गोकुल। अब सवाल उठता है कि वृंदावन क्यों जाएं? तो वृंदावन जाना बहुत ही जरूरी है। वो क्यों? आध्यात्मिक अगर हम दृष्टि से देखा जाए तो कहते हैं कि वहाँ जाकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर एक बार ये सोचा जाए कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना है? मैं देखती हूँ कि बहुत लोग सब कुछ होने के बावजूद भी आजकल लोग आत्महत्या कर रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, तनाव, सारी बीमारियाँ उनके घर मतलब जन्म ले चुकी हैं उनके शरीर के अंदर। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी आजकल की इतनी फास्ट लाइफ, मतलब हम कुछ अपने बच्चों को ये सिखा ही नहीं रहे कि हमारे जीवन का आखिर उद्देश्य क्या है। मस्ती करना, पब में जाना, डिस्को में जाना, क्या यही जीवन का उद्देश्य है? इससे हमें क्या मिल रहा है, सोचिए एक बार। हमें अपने मन को थोड़ा आध्यात्म की तरफ भी ले जाना चाहिए, क्योंकि हम जब आध्यात्म की तरफ अपने मन को ले जाते हैं तब हम बहुत ही सुकून पाते हैं, हमें पीस मिलती है, शांति मिलती है, जो जीवन में होना बहुत ही जरूरी है। और गीता में श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि हमें अपने जीवन को किस तरह से जीना चाहिए। हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। और एक बार जब आप वृंदावन आएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वृंदावन आना क्यों जरूरी है। वृंदावन में कितने कितने लोग हैं जो पैसा, मोह माया सब छोड़कर वृंदावन में आकर बस गए। सबके अपनी मन मन के सौदे होते हैं, तो किसी को कुछ प्रिय होता है, किसी को कुछ प्रिय होता है। लेकिन जीवन का हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही है, वो है भगवान का स्मरण करना, जिससे कि हम शांति पा सकें, हम जीवन को सुकून से चला सकें। हम ग्रस्त जीवन जीकर भी, जीते हुए भी आध्यात्मिक हो सकते हैं। बस थोड़ा सा अपनी सोच को बदलना बहुत जरूरी है। तो अगर जीवन में सुख, सुकून, शांति पाना हो तो एक बार वृंदावन अवश्य आएं। वहाँ पर जब आप साधु संतों को देखेंगे और वहाँ पर लोगों को भक्ति करते हुआ देखेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। यहाँ पर आकर आप बांके बिहारी जी के जब चमत्कार सुनेंगे, वो आज भी कैसे अपने भक्तों के साथ लीलाएं दिखाते हैं, ये सब जब एक बार आप इन चीज़ों की तरफ अपने मन को कर लेंगे, तब आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वृंदावन आना क्यों ज़रूरी है। तो कान्हा जी की नगरी वृंदावन, कान्हा जी ने यहाँ पर राधा रानी के साथ, गोपियों के साथ रास रचाया। और आज भी कान्हा जी निधिवन, लोगों ने कान्हा जी को खुद प्रत्यक्ष रूप से निधिवन जाते हुए देखा है। और आज भी अगर आप सच्चे मन से कान्हा जी का नाम लेते हैं तो आपको भगवान की प्राप्ति होती है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।